हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैंने बोला था कि कल से GTA 5 की वीडियो डालना शुरू कर दूंगा। तो ये हमारा माइकल, आप सब जानते होंगे, जो जो GTA 5 के बारे में जानते हो वो सब सारे मिशन खेलते होंगे, टेक्निकल गेमर के देखते होंगे। और एक टेक्निकल मत बहुत सारे लोग हैं जो GTA 5 की वीडियो डालते हैं, लेकिन मैंने कुछ अलग किया है कि GTA 5 का मैंने एंड कर चुका हूँ। मैं GTA 5 का एंड कर दिया, उसके बाद वीडियो बनाना चालू करा। वो इसलिए क्योंकि मैंने अब के दूसरी बार GTA 5 का एंड करा है। पहले GTA 5 में एक दिक्कत हो गई थी कि एक लास्ट मैच मिशन था कि माइकल और ट्रेवर, इन दोनों में से किसी एक को मारना है, या फिर लास्ट वाला जो ऑप्शन सी था वो डेथ विच, हमारा जो दुश्मन है उसको। तो मैंने गलती से ट्रेवर मरवा दिया था। तो मैंने सोचा फिर बाद में, यार ड्राइवर मारने के बाद हमारी तो, माइकल और फ्रैंकलिन की ज़िंदगी तो बहुत आराम से कट रही थी, क्योंकि करोड़ों पैसे मिले, डॉलर, गाड़ी वाड़ी खरीदी, घर खरीदे, बिजनेस खरीदा। मैं सोच रहा यार, ड्राइवर जब हमारे साथ था, इतना गरीब था, मिशन करवा था, मिशन में हमारे साथ था, हमारा सब कुछ काम करता था वो। और अब जब पैसे आने लगा, उसकी गरीबी कम होती, तो हमने वो मरवा दिया बेचारा। तो मैंने सोचा यार, क्यों ना ड्राइवर को वापस बुलाया जाए। तो मैं लोकल डिक्सी में जाके जितने भी GTA 5 की फाइल्स थी, गेम फाइल्स, वे डाउन डिलीट कर दी, और दोबारा से GTA 5 का एंड करा। और अब ड्राइवर हमारे साथ है, आप देख सकते हो। देखो, ड्राइवर भी है, माइकल भी है, फ्रैंकलिन भी है। तो मैं अभी माइकल की कार कलेक्शन दिखाऊंगा, उसका घर दिखाऊंगा। घर तो आपने देख रखा है सबने। मैंने दो कार मंगाई है, एक अपनी बुकाटी मंगाई है, और एक एक और है, मैं मतलब उसका नाम नहीं पता मुझे, बहुत अजीब सा नाम है, मैं दिखाऊंगा उनको। ये रही हमारी दोनों कार। इंस्टा पे मैंने स्टोरी भी डाल ली थी, जिनने इंस्टा पे देखा था चेक करा होगा वो देख सकता है। दोनों गाड़ी बहुत ज़बरदस्त हैं। आधे की शादी मैंने फुल मॉडिफाइड कराई है। इसका कलर मैंने ऑरेंज ही लिया था, और इसका मैंने फौजी वाला कलर लिया था, क्योंकि आई लव इंडियन आर्मी। और भाई अपना रोक भाई साहब तो है ही, जिसको मैं लव करता हूँ सबसे ज़्यादा। पीछे से मैंने ये इसका जो ऊपर ये एयर कटिंग वाला जो है, मतलब इसके ऊपर जो बोनेट के ऊपर लगा हुआ है वो करा था। इसके एग्जॉस्ट चेंज कराए थे। और हमारी बुकाटी एडो भी सही थी। और ये हमारी नकली वाली कार भी हमारे साथ ही है। नकली वाली कार में भी थोड़ा बहुत वो हो चुका है अपने आप ही। तो मैं सोच कि चलो आपको थोड़ा बहुत गाड़ियों को चला कर दिखाया जाए। पहले हम दिखाएंगे येलो वाली से, ऑरेंज वाली से, सॉरी। लाइट जल जाओ। हाँ, जल गई। पीछे एग्जॉस्ट है, ये मैंने पीछे लिखा है ब्लू कलर का, स्मोक तो पता ही होगा, बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। मैंने स्काई ब्लू लिया था। दोनों में टर्बो वर्बो लगा के लेवल 4 का इंजन अपग्रेड करवा के खड़ी करवा दी गाड़ी, दोनों मस्त थी। जो स्पीडोमीटर का वो था ऑप्शन, वो इसमें आ नहीं रहा, क्योंकि मैंने GTA 5 डाउनलोड किया है, परचेज़ नहीं किया अभी। परचेज़ में अपना PC बनवा रहा हूँ, अभी तो मैं लैपटॉप में चला रहा हूँ। ये भी खैर गेमिंग लैपटॉप है, 58,000 करीब का लिया था, 8 GB रैम वगैरह सब कुछ है इसमें। ग्राफिक्स है रेडियन के, 4 GB इसमें भी बढ़िया चलते हैं, लेकिन ये मैंने सिर्फ अपने वर्क के लिए लिया है। इसमें GTA 5 खेल के मैं इसकी ऐसी वाली तैसी नहीं करवा सकता मैं, ऐसी वाली तैसी। और किसी को ये पता हो तो यार कमेंट में ज़रूर बताना कि जो मेरी ये है ना, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। फ़ोन ऑन किया, यहाँ पे यहाँ गया, यहाँ पे ये सारी चीज़ तो सेम है। यहाँ पे गया ट्रांसफ़र एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट पे, लेजेंड मोटर स्टॉप, यहाँ पे गए। यहाँ पे लोकल वाली कार ही आ रही है, जो मुझे थोड़ी ठीक ठाक सी लगी थी, एक ये वाली गाड़ी है। हम अभी इस वाली गाड़ी को चला रहे हैं। पहले जब मैंने एंड गया था GTA 5 का, तो मैंने ये वाली कार ली थी, ये वाली, और एक ली थी ये वाली कार। ये दोनों मुझे ठीक ठाक लगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं यार, ये वाली कार लूँ अब, और अपनी ये वाली एडा एडर।
तो मैंने सोचा ये वाली कार ले लूँ। अभी यहाँ पे 3-4 कार ही हैं थोड़ी लोकल सी, तो मुझे ये बता सकते हो आप कि और कार कैसे खुलेंगी? वो जो दूसरे वाले हैं पेन गेयर ये साइकिल वगैरह ये सब कुछ है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें भी डाउनलोड वाले वर्जन में, और जो भी है ठीक ठाक है। अभी मैं इसको यहीं पे लगा देता हूँ क्योंकि अभी मुझे बुकाटी भी दिखानी है आपको। चलो भाई बुकाटी की तरफ चलते हैं बहुत जल्दी से। और भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे तू क्या कर रहा है? अच्छा ये माली माली है हमारे यहाँ का, जो हमारी गार्डनों को और हमारे घर की देखभाल करता है। हाँ या बिग डैडी इन द हाउस। चलो भाई हम अपनी बुकाटी में आ चुके हैं, दोनों में खैर ऐसे ही करवाया, लेकिन मुझे ये डिफरेंस करना मुश्किल हो रहा है कि दोनों में से तेज कौन सी चलती है। वो जो दूसरी वाली ऑरेंज वाली कार थी वो मेरे छोटे वाले भाई के लिए है, क्योंकि वो भी खेलता है कभी कभी, तो वो कह रहा है भैया तुमने इतने पैसे कमा लिए वो कर लिया मुझे, मेरे लिए गाड़ी ना ली तुमने। तो मैंने कहा ठीक है चल बता कौन सी कार लेगा, तो मैंने उसे कार दिलाई। इस बिल्ले को फोर का इंजन लगवाया, इसमें भी टर्बो वगैरह पूरे करवाया, बुलेट प्रूफ पूरी पूरी बुलेट प्रूफ करवा चुका हूँ गाड़ी को मैं। टायर भी सही हैं, अपने गैराज में गैराज के पास चलते हैं थोड़ी। मुझे एक कार और मंगानी है मिशंस के लिए, वैसे थोड़े बहुत जो मिशंस आएंगे इधर उधर गेड़ी मारने के लिए घूमने के लिए। चलो कुछ नहीं हुआ, हल्की सी लगी है। तो ये हमारा गैराज अंदर से, तो मुझे एक कार मंगानी है, कार देखते हैं मिशंस के लिए कौन सी कार ठीक रहेगी, क्या 4-5 जने बैठ के जाएं, क्योंकि ये तो स्पोर्ट वाली कार है इनमें तो 2-3 जने ही जा सकते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे, हमने देखी गाड़ी यहाँ, ये मतलब थोड़ी लोकल वाली कार है, ज़्यादा ठीक नहीं है, लोकल वाली है, सारी लोकल कार्स हैं, पर फिर भी काम चलाना पड़ेगा भाई, GTA 5 खेलना है तो काम तो चलाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर देखी थी रोल्स रॉयस वाली कॉपी, तो मैं सोच रहा हूँ रोल्स रॉयस ही मंगा लूँ, रोल्स रॉयस ही मंगा लूँ ना मैं। रोल्स रॉयस ही ठीक है, रोल्स रॉयस। कौन से कार में कलर में मंगाऊँ कौन से मंगाऊँ भाई? ये वाला जो ब्लैक कलर है यही ठीक लग रहा है मुझे तो। चलो थैंक यू सो मच। अच्छा ये कार होल्ड हो चुकी है, तो थोड़ी बहुत देर में ये हमारे पास आ जाएगी, इतने हम घूमने चलते हैं। दादा मुझे तो ये अपनी बुकाटी बहुत बढ़िया लगी, मेरा कैडी भग रही है। और अभी 2-3 दिन बाद, मतलब अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े दिनों बाद मैं फेस कैम और अपने गेम प्ले दोनों की वीडियो ऐड करके डालूँगा। अभी थोड़ा बहुत भैया लॉकडाउन चल रहा है, तो अपना तमंचे वाले सामान वामान जिंगे तिंगे मिलना रहे। हाँ भैया इंडिकेटर तो दे दिया करो यार। तो मैं तो भूल गया, हमने तो गाड़ी मंगाई है भाई। चलो पहले इसे पार्क करके जब चलेंगे क्या पता ये गाड़ी हमारी वहीं खड़ी हो जाए, इस वजह से हमें खड़ी नहीं करनी भाई गाड़ी, आराम आराम से करेंगे, आराम आराम से, हमें ठोकनी नहीं है कार भाई, ठुक गई तो बहुत कड़ा खर्चा बैठ जाएगा, बहुत कड़ा, क्योंकि गाड़ी $10 लाख की आई है भाई। जब मैं लेकर आया था तो मैं इसे अपग्रेड करवाने के लिए ले जा रहा था, तो इसका आगे वाला जो बोनट है वो निकल गया, यकीन नहीं करोगे, रिपेयर होने में $1,000 लगे हैं सर, रिपेयर करवाने में इतना कड़ा खर्चा बैठ गया था इसका, उसका इतना कड़ा खर्चा है। तो भाई टेक्निकल गेमर की जो लैम्बोर्गिनी शान है वह तो हम सपने में देख सकें, क्योंकि GTA 5 तो हमें खरीदना पड़ेगा, उसके बाद हम उस गाड़ी को चला पाएंगे। हमारी वो वाली गाड़ी, मेरा इतना कमबख्त लोंडा है भाई, इतना कमबख्त लोंडा भाई, पूछो मत ना। कभी भी आऊँ मैं सामने से साइकिल लेकर आएगा, सामने खड़ा कर यहाँ पे खड़ी कर देगा, मैं उतरूँगा गाड़ी में से, साइकिल साइड में करूँगा, इतने वो गाड़ी लेकर भग जाएगा। अभी मैंने नई वाली कार यहाँ पे पार्क की थी,
अभी थोड़ी देर पहले वो लेकर चला गया यार। इसमें ऑप्शन नहीं है, नहीं तो सोच रहे हूँ मैं गोली बजा देता मैं। चलो कोई बात, कोई नहीं, अपना ही लड़का है, चलते हैं, अपना ही लड़का है, क्या करें हम, अपनी लोकल वाली कार में चलते हैं भाई, आ जाएगा लेके आ जाएगा। चलते हैं हम अपने गैराज पे, आ गई होगी हमारी अमिताभ बच्चन वाली कार, अमिताभ बच्चन वाली कार, डबल आर रॉयल्स रॉयस। चलते हैं हम उसी के पास। ओ भाई ओ भाई ओ भैया यार, हल्की सी ठुकते के साथ ही पीछे से गाड़ी सांप की तरह होने लग जाती है, जैसे सांप चलता है ना टेढ़ा मेढ़ा होकर के आते होते हैं। हट जाओ, क्या करूं यार, गलती से होगी, सॉरी सॉरी भाई, सॉरी 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 भाई, भाग मत, पुलिस में कंप्लेंट मत कर दिए, वरना गाड़ी ऐसे चढ़ाऊंगा हॉस्पिटल वाले भी कहेंगे यार कमर टेढ़ी होगी, सही कैसे करवाऊंगा, कमर टेढ़ी हो गई है यार उसकी, वो बेचारा फिर भी लंगड़ा था, वो भागा है। हमारी कार आ चुकी होगी, देखते हैं, आ गई हमारी, आ गई भाई, बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत डिफरेंस लगता है यार, हल्का हल्का लैग क्यों हो रहा है, ये हल्का हल्का लैग हो रहा है। अच्छा तो यार मेरे लैपटॉप में थोड़ी बहुत दिक्कत होने लग गई है दो तीन दिन से, कि जब भी मैं चार्जिंग पे लगा के खेलूँगा GTA 5 तो बिल्कुल मक्खन चलेगा स्मूथली, कहीं भी नहीं रुके, कुछ भी ना, मतलब कितने भी कैड़े ग्राफिक्स कर लूँ फिर भी ना रुकने का। लेकिन अगर जब मैं चार्जिंग से हटा दूँगा तो ऐसा चलेगा भाई जैसे 1 GB का फ़ोन हो और इसमें पबजी खेल रहे हो। अभी कहाँ जाना है हमें, हम भूल गए हैं, अभी मैंने चार्जिंग पे से हटा दिया है, तो आप देखो देखो कैसे चल रहा है, देखो देखो कैसे चल रहा है, देखो। और अभी मैं लगाता हूँ इसे चार्जिंग पे, ये लग गया हमारा चार्जिंग पे, आप देखो। हम चलते हैं अपने घर, हमें जाना है वापस, नहीं जाना वापस, नहीं जाना, ये गूगल मैप भी पागल हो चुका है भाई। नई नई गाड़ी मिली है, नई गाड़ी में कम से कम 1 लीटर पेट्रोल भेजते हैं वो, इधर उधर घूमने लग गए तो ख़त्म हो जाएगा, इस वजह पहले घर पे चलते हैं, खड़ी करते हैं चुप, अपने शोकेस में खड़ी करेंगे गाड़ी को, उसके बाद बात करेंगे धीरे धीरे। अभी तो मुझे बहुत काम करना है, बहुत सारा, आप सोचो कि मिशन तो ख़त्म कर दिए, काम क्या करना है, मिशन तो सारे ख़त्म हो गए, ये काम क्या करेगा भाई। काम ये है अभी, ना तो फ्रैंकलिन को घर, फ्रैंकलिन के पास घर तो है ना, तो फ्रैंकलिन के पास गाड़ी है, सिर्फ उसके पास बफेलो है, वाइट वाली जो है, जो उच्ची उच्ची सी गाड़ी होती है वही है। मैं सोच रहा हूँ इस गाड़ी को अंदर ही लगा दूँ, नहीं तो मेरा लोंडा आ गया ना बहुत बुरा वाला, ले जाएगा 7.5 करोड़ रुपया की गाड़ी ले जाएगा। या यो हो भाई, गाड़ी ठीक ठाक है मुझे लग रही है, लेकिन मैंने उल्टी खड़ी कर दी भाई, ये गाड़ी थोड़ी और अपग्रेड होती ना तो मज़ा आ जाता। चलो भाई इस वीडियो को अभी एंड कर देंगे, ये मेरी GTA 5 की पहली वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की है, और वो कि मतलब अपने जो अपने मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के, और जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे जो मुझे देखते हैं, उनके लिए भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, वो एक्शन वगैरह चाहते हैं, तो मैं अगली वीडियो में एक्शन वाला गेम प्ले लाऊँगा। और अभी मैं फ़िलहाल वीडियो कर रहा हूँ क्लोज, अपने लड़के को ढूंढूंगा जिमी को, और मिल जाएगा तो उसके ऊपर साइकिल चढ़ा दूंगा। थैंक यू गाइस।
और भाई जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो,